हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो अजीब दास्तान स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि अक्ष जो है श्रुति को बहुत कुछ सुना देती है, मतलब एक तरीके से उसके दिल दिमाग में जो कुछ चल रहा होता है, जितनी भड़ास होती है वो सब कुछ निकाल देती है नशे की हालत में, और फिर अपने रूम में चली जाती है। इधर श्रुति बुरी तरह टूट जाती है और रोने लगती है। उसकी मम्मी उसके पास आती है, उसका हाथ पकड़ती है और कहती है आई एम सॉरी, मुझे तुम्हें यहाँ रुकने के लिए कहना ही नहीं चाहिए था, गलती मेरी है, हो सके तो माफ़ कर देना। श्रुति कुछ बोलती नहीं है, वो रूम में जाने लगती है तो उसकी मम्मा कहती है वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ नीचे रूम में सो जाओ, हर्ष के हर्ष बाहर सो जाएगा। अनायशा श्रुति के पास आकर कहती है क्या चाहती हो। श्रुति कुछ नहीं बोलती। उसकी मम्मा कहती है कि कुछ नहीं, ये रिश्ता हर हालत में टूटना था और ये टूट गया। अब अगर श्रुति को ज़बरदस्ती अक्ष के साथ रखेंगे तो श्रुति की सेल्फ रिस्पेक्ट कम हो जाएगी, कोई फायदा नहीं है ये सब करने का। तो सना कहती है मैंने तो पहले ही कहा था, मेरी बात उस समय किसी ने नहीं सुनी, अब भी आप लोग अक्ष की गलती निकालेंगे, पता है। हालांकि उनकी कोई गलती इसमें है नहीं, ये तो उनके दिल दिमाग में बहुत टाइम से चल रहा था, और जिसके दिल दिमाग में बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही होती हैं वो कभी ना कभी तो बाहर आती हैं, तो वो अब आ गई, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन आप लोगों को शायद अब भी नहीं समझ में आएगा, मैं अभी भी कह रही हूँ इस रिश्ते में कुछ नहीं रखा है, कुछ भी नहीं रखा सिवाय दर्द और तकलीफ के। ये दोनों एक दूसरे को कुछ नहीं दे पाएंगे। इनके दिल में जो एक दूसरे के लिए प्यार होना चाहिए था, जो रिस्पेक्ट होनी चाहिए थी, वो है ही नहीं। तो ये तो बुझी हुई राख से आग पैदा होने की बात हो रही है, तो वो नहीं हो सकता। मानिए और चाहे मत मानिए, अब तो भलाई सबके इसी में है कि इन दोनों को अपनी अपनी जिंदगी अपने अपने हिसाब से जीने दीजिए, नहीं तो किसी को कुछ नहीं मिलेगा सिवाय दर्द के। और इन सब में सबसे ज़्यादा दर्द श्रुति को होगा और किसी को नहीं, किसी को भी नहीं। सना श्रुति के पास आती है और कहती है सो अपनी शर्त तुम्हें याद है ना, या अभी सबके जाने का इंतजार करना है। चॉइस पूरी तरीके से तुम्हारी है, मैं तुम्हें अभी भी फोर्स नहीं करूंगी, देख लो तुम्हें क्या करना है। श्रुति जो है कहती है सुबह
रूम में चली जाती है, बाकी सब लोग भी अपने अपने रूम में चले जाते हैं। और अनायशा सना जाने के लिए मुड़ती हैं तो शख्स की मम्मी कहती है कि आज तुम दोनों यहीं रुक जाओ, कहीं मत जाओ। पता नहीं अगली सुबह क्या हो जाए, आज कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, प्लीज़। तो दोनों भी फिर वहीं रुक जाते हैं। इधर एक्स जो है सो जाते हैं रूम में जाके काफ़ी देर तक, बहुत सारी चीज़ें उनके दिमाग में चल रही होती हैं और उसके बाद उन्हें नींद आ जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, अक्ष सूर्य होते हैं, श्रुति उठती है, अपना सामान पैक करती है और नीचे आती है। नीचे सब उठ जा चुके होते हैं, सब श्रुति की तरफ देखते हैं, बाकी के जो गेस्ट होते हैं वो भी अपना अपना सामान पैक करके निकल रहे होते हैं। किसी की अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट होती है तो किसी की ट्रेन, किसी को बस से जाना होता है तो कोई अपनी गाड़ी से होता है। धीरे धीरे करके सब निकलने लगते हैं। नशे की वजह से अक्षर भी पूरी तरह नींद में होते हैं। इधर श्रुति जब सामान लेके नीचे आती है तो सना उसे देखती है और कहती है, सो यू आर रेडी टू लीव? श्रुति उसकी तरफ देखती है और कहती है, जब यही सोच रखा था तुमने तो अब तो रुकने का कोई फायदा भी नहीं है। कहते है, मैंने सोच रखा था तुम्हें अक्ष की ज़िंदगी में लाने वाली मैं ही थी। मैं तो चाहती थी कि तुम ये शर्त जीत जाओ, लेकिन तुमने कुछ ज़्यादा ही कर दिया। जो कल हुआ नहीं होना चाहिए था, लेकिन जब अक्ष की तरफ से सोचते हो तो लगता है कि जो हुआ सही हुआ, ऐसा ही होना चाहिए था, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए था। श्रुति कहती है, ठीक है, जब आपको भी यही चाहिए था, अक्ष को भी यही चाहिए था, कहानी खत्म, जाती हूँ। बाकी मुझे हमेशा उनका इंतज़ार रहेगा, वो जब वापस आके मुझे अपनाना चाहे मैं उन्हें इसी मोड पे मिलूँगी। ये कह के श्रुति भी घर में से निकल जाती है। बाहर अनायशा आती है और कहती है, कहाँ जाने का इरादा है? कहती है, पापा के पास ही जाऊँगी, और कहाँ जाऊँगी? ये कह के वो अपने टिकट वगैरह बुक कराती है और एयरपोर्ट पे बैठी रहती है, इंतज़ार करती रहती है। इधर काफ़ी देर बाद उठते हैं, उठ के नीचे आते हैं, तब तक सब जा चुके होते हैं, सिर्फ अनायशा और सनाई घर में होते हैं। नीचे आते हैं, पूरा घर खाली होता है, उन्हें रात का बस थोड़ा बहुत ही कुछ याद होता है, बाकी कुछ याद नहीं रहता। तो उस आके बैठते हैं और अपने भाभी से कहते हैं कि भाभी नींबू पानी दे दोगे? तो कहती, हाँ जी ज़रूर, इतना पहाड़ तोड़ के आए हो तो दूंगी, नहीं दूंगी तो क्या करूँगी, लाती हूँ। और अनायशा की तरफ देखते और कहते हैं कि भाभी ऐसे क्यों बोल रही हैं, बाकी के सब लोग कहाँ हैं? तो कहती है, वो कहती है कि ज़्यादा पी ली थी रात में। कहती है, हाँ थोड़ी ज़्यादा हो गई थी।
यार श्रुति ने बहुत परेशान किया हुआ था। श्रुति ने जो कल सुबह किया था उसके बाद और बहुत सारी चीज़ें थी जो मेरे दिल दिमाग में चल रही थी। अक्ष पहले तुम्हारे अंदर थोड़ी तो शर्म थी, एक्चुअली तुम अपनी मम्मी के सामने कभी जल्दी से पी के नहीं आते थे और कभी पी के आते तो सीधे अपने रूम में चले जाते थे बिना किसी तमाशे के। अब तुमने सारी शर्म बेच दी। अक्ष अपना असर नीचे कर लेते हैं तभी उनकी भाभी आ जाती है, कहती है शर्म होती तब तो आती, शर्म तो है ही नहीं, आई कहाँ से? क्यों अक्ष शर्म तो बची नहीं है ना? कहती है सॉरी भाभी। उसकी मम्मी भी आ जाती है उतनी देर में और कहती है ओहो जनाब उठ गए बेटा, सो अब तुमने क्या सोचा है जिंदगी में आगे क्या करना है? बियर बार खुलवा दो तुम्हारा, पूरी रात उसी में पड़ा रहा करो और कोई काम तो है नहीं तुम्हें। तो खड़ी होती है और अपनी मम्मी के आगे हाथ जोड़ लेती है, कहती है आई एम सॉरी मम्मा, मैंने इंटेंशनली कुछ नहीं किया, बस हो गया, आई एम सॉरी, प्लीज़ हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं नहीं समझ पा रही थी उस समय कुछ भी, मेरे दिल दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, बहुत कुछ। मैं जानती हूँ ये सारे जस्टिफिकेशन गलत है, लेकिन आप चाहती हो मैं श्रुति को अपना लूँ, वो मुझसे अब नहीं हो पाएगा, हो ही नहीं पा रहा मुझसे। कहती है नहीं नहीं कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें श्रुति को अपनाने की, अब वो यहाँ है ही नहीं तो क्या अपनाओगी। तो अक्ष अपनी मम्मी की तरफ देखती है और सवाल करती है कि यहाँ नहीं है मतलब? कहती है कि गई वो जहाँ से आई थी वहीं चली गई। क्या क्या मतलब है मम्मा? रात देखिए मजाक मत कीजिए, रात में जो कुछ भी हुआ वो सब नशे में हो गया। हाँ तो नशे में इंसान सच ही बोलता है ना अक्ष, झूठ तो नहीं बोलता। तुम्हें कभी उसकी ज़रूरत थी नहीं और ज़बरदस्ती रिश्ते ऐसे होते हैं कि निभाए नहीं जा सकते। भेज दिया मैंने फिर उसे, भेज दिया कहाँ भेज दिया? उसके घर। वो चली गई। हाँ तो क्या करती यहाँ पे? यहाँ करती क्या? मम्मा ठीक है, वो खुश है तो अच्छी बात है, ठीक है अच्छी बात है। तो अब मेरी एक बात तुम ध्यान से सुन लो, आज के बाद इस घर में श्रुति का नाम नहीं लिया जाएगा और श्रुति इस घर में अब से कभी नहीं आएगी। तुम्हें अपनी ज़िंदगी में कोई और चाहिए तो कोई अच्छी लड़की ढूंढो और अपना घर बसा लो, बाकी श्रुति का जिक्र इस घर में दोबारा नहीं होना चाहिए। ये कह के उसकी मम्मी वहाँ से चली जाती हैं। सना से अक्ष कहती है यार मम्मा ये क्या कह के गई हैं,
जो कुछ भी हुआ था वो सब नशे में हुआ था। और ऐसा नहीं है कि मैं श्रुति को अपनी ज़िंदगी में चाहती नहीं हूँ, बस मैं जो कुछ हुआ वो भुला नहीं सकती। सना कहती, यार यू आर वेरी कंफ्यूजिंग पर्सन अक्ष, पागल हो गई है तू। जब वो यहाँ थी तुझे दिन रात मना रही थी तब तुझे वो चाहिए नहीं थी, अब जब वो ज़िंदगी से चली जा चुकी है तब वो तुझे चाहिए। दिमाग ठीक है? अब ये नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। वो यहाँ से बहुत दूर जा चुकी है और तेरी भी भलाई अब इसी में कि उसे भूल के ज़िंदगी में आगे बढ़ जा। समझ में आया? तुझे तो अब तक वो चाहिए नहीं थी ना, अब तक तो कह रही थी तुझे सब तू उसे अपना नहीं सकती। हाँ मैं कह रही थी, नहीं अपना सकती मैं, लेकिन मुझे उसे इस तरह नहीं बेचना था सबके सामने उसकी बेइज्जती करके। अब तो जो होना था हो चुका है, उस बारे में अब सोच के बात करके कोई फायदा नहीं है। जो होना था हो गया, उसे भूल जाने में तेरी भलाई है। और ये कह के सना और अनायशा भी वहाँ से चले जाते हैं। जिंदगी अक्ष की फिर से उसी मोड़ पे आके खड़ी हो जाती है और वक्त वैसे ही बीतने लगता है। अक्ष अपने गमों में और अपनी पुरानी यादों को लेकर जीने लगते हैं। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरने लगता है। श्रुति ना कभी अक्ष से कांटेक्ट करती है उन दिनों, ना अक्ष श्रुति से उस समय कांटेक्ट करते हैं। वक्त अपनी रफ्तार से दौड़ रहा होता है, ज़िंदगी के 3 से 4 महीने और बीत जाते हैं। इन 3-4 महीनों में अक्ष की बात एक लड़की से कंटिन्यूसली फ़ोन पे होने लगती है और जो उदासी उसकी ज़िंदगी में होती है वो उदासी धीरे धीरे कम होने लगती है। तो अब आगे क्या होगा ये तो कल के पार्ट में सुनेंगे, फ़िलहाल मुझे थोड़ा सा काम है तो आज मुझे जाना पड़ेगा। सो बाकी की स्टोरी कल सुनते हैं। बाय बाय, टेक केयर।